दोस्तों कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में दोस्त आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड मास के नियम की बोर्ड मास का नियम वो खतरनाक सी चीज जिसे मैंने जब पहली बार देखा था तो ये कहा था क्योंकि खुदा खुदा इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जिनमें प्लस माइनस गुणा और भाग चारों ही मिक्स हो जाते हैं ना एकदम चुलबुल पांडे की तरह मिक्स होकर डांस करने लगे तो इनको हल करने के लिए बोर्ड मास का नियम बनाया गया था तो बोडमास के इसी नियम को हम शुरुआत से सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों और साथ ही साथ इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं साथ ही साथ और मैथ्स को इंप्रूव करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं चलिए सीखते हैं मास के नियम को यहां पर एक एक स्पेलिंग का अपना अलग एक मीनिंग होता है कैसे देखिएगा ध्यान से यहाँ पर इस बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट यानी आपको सबसे पहले ऐसे बड़े बड़े सवालों में जहां प्लस माइनस गुणा भाग सभी मिक्स दिख रहे हैं वहाँ सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है जैसे इस सवाल में हमें यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है तो कुछ भी नहीं करना सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है अब उस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है जैसे यहां जोड़ने का कहा गया है दो और पांच को जोड़ना है तो वो सात हो जाएंगे तो इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर चाहे वो कुछ भी हो चाहे जोड़ हो घटाव हो गुणा भाग हो लेकिन ब्रैकेट ही सबसे पहली प्रायोरिटी पे सॉल्व किया जाएगा तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ब्रैकेट सबसे पहले हल होगा उसके बाद ओ ओ का मतलब होता है ऑफ ऑफ यानी कि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर अगर है तो उसका अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा जैसे आपने छोटी छोटी क्लासेस में ऐसा देखा होगा कि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है दो उसका अंदर गुणा होता है दोनों नंबर्स में तो उसी को कहा जाता है ऑफ जैसे दो का एक्स में गुणा करते हैं तो दो एक्स दो का पांच में गुणा करेंगे दो पंजे दस लीजिए इस तरीके से हम इस ब्रैकेट को ऑफ के तहत सॉल्व करते थे तो इसीलिए कहते हैं ब्रैकेट ऑफ है ना इस ब्रैकेट को हमने ऑफ किया यानी सॉल्व किया अंदर गुणा करना ऑफ कहलाता है मेरे भाई दोनों मेथड आप समझ गए होंगे दोनों स्टेप आप अच्छे से समझ गए हो तो लाइक like जरूर करना बहुत बारीकी से आपको यहाँ कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं अब बात आती है डी डी तो मेरे बच्चे बच्चे को पता है डिवाइड का चिन्ह होता है सर जी डी मतलब डिवाइड यानी आपको डिवीजन को सॉल्व करना है जो भाग का चिन्ह है उसे सॉल्व करना है उसके बाद आता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का नियम गुणा को हमें फिर सॉल्व करना है जैसे कई बार हम सोचते हैं ना कि यहाँ भाग भी दिया है गुणा भी दिया है तो पहले किसे हल करें तो पहले बोर्डमास में देखो कि पहले डिवीजन पहले आ रहा है तो पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे उसके बाद मल्टीप्लीकेशन आता है तो हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को हम पूरा करेंगे बोर्ड मास के नियम से अभी केवल आप इस बोर्ड मास का स्टेप बाय स्टेप मीनिंग समझ जाओ कि कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं एम मतलब मल्टीप्लाई करना रहता है डिवीजन के बाद उसके बाद आता है आपका एडिशन यानी जोड़, यानी कि घटाओ तो इसे ही कहते हैं ब्रेकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रेक्शन मेरे साथ साथ आप भी कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्स्ट्रेक्शन इसे हिंदी में कहते हैं को यानी कोष्टक का यानी कि का भा यानी कि भाग गु यानी कि गुणा ठीक है और उसके बाद यो यानी कि यो और घ यानी घटाओ तो बोडमास को हिंदी में कहा जाता है को का भागु योग को का भागु योग यानी कोष्टक का भाग गुणा और जोड़ घटाओ है ना योग मतलब कि जोड़ होता है याद रखिएगा इस नियम में हमें ऐसे चलना होता है इस तरीके से आइए पूरा मीनिंग समझने के बाद हम चले जाते हैं क्वेश्चन की तरफ और इस बोर्ड मास नियम को दिमाग में याद रखेंगे कि पहले ब्रैकेट हल होगा फिर ऑफ हल होगा फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन और आखिरी में सबस्ट्रेक्शन तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए लेकिन उससे पहले ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं ये नियम आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं बोर्ड मास का पूरा मतलब समझ गए हो तो एक प्यारा कमेंट करना जी सर बोर्ड मास हम समझ गए ताकि मुझे भैया थोड़ी खुशी हो कि हमारे बच्चे हमें प्यार भरा कमेंट करते हैं सीखने के बाद जरूर सब कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर सीख गए हैं बोर्ड मास नियम चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं उम्मीद करता हूं आप कमेंट कर दिए होंगे दोस्तों बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की तो हम साइड में बोर्डमास नियम जरूर से लिखते हैं क्योंकि हमें स्टेपों का पता रहे इसलिए बोर्डमास रूल हमने यहां लिख दिया है आइए इस पूरे क्वेश्चन को हम बोडमास से सॉल्व करते हैं पहला स्टेप है कि ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए तो ब्रैकेट आपको कहाँ दिख रहा है यहाँ पर आपको बीचों बीच ब्रेकेट नजर आ रहा है इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे इन दो नंबर्स को जोड़ना है टू प्लस फाइव करना है जब ही ब्रैकेट सॉल्व होगा तो हमें ब्रैकेट ही सॉल्व करना है इनको जोड़कर तो टू प्लस फाइव कितना हो जाएगा सेवन हो जाएगा मतलब दो और पांच को आप जोड़ोगे तो सात हो जाएगा तो चलिए लिखते हैं सभी चीजों को वैसा का वैसा ही लिख दो एक बटे दो है तो एक बटे दो लिख दिया प्लस का चार है तो हमने प्लस का चार लगा दिया ब्रैकेट को सॉल्व किया तो दो और पांच को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सात और बटे में तीन चल ही रहा है डिवाइड में थ्री चल ही रहा है माइनस का टेन है तो माइनस का टेन डिवाइड में है फाइव मल्टीप्लाई में है टू लीजिए आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया ब्रैकेट सॉल्व हो गया ब्रैकेट हटा नहीं है केवल ब्रैकेट सॉल्व हो गया है तो इसको पहले टिक कर देते हैं जी सर ये वाली स्टेप हो गई ठीक है यह वाली स्टेप कंप्लीट हो गई अब इसके बाद आता है ओ यानी कि ऑफ ब्रैकेट ऑफ इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो उसको अंदर मल्टीप्लाई करना ही ऑफ कहलाता है तो हमें चार का अंदर गुणा करना पड़ेगा चार का सामने वाले से गुणा कर दो सात से चार सत्तः अट्ठाईस तो इसको हम अट्ठाइस कर देंगे एक बटे दो वैसा का वैसा ही प्लस वैसा का वैसा ही चार सत्तः अट्ठाइस ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई चार सत्तः अट्ठाईस बटे में तीन वैसा का वैसा ही लीजिए ब्रैकेट पूरा ही खत्म हो चुका है मल्टीप्लाई अंदर कर दिया ना ब्रैकेट हट जाता है ठीक है माइनस टेन लिखा है तो हमने माइनस टेन लिख दिया डिवाइड में फाइव इन में टू अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा बोर्डमास नियम में ऑफ वाला सिस्टम भी यहाँ खत्म हो चुका है ये वाला स्टेप भी आप कंप्लीट कर चुके हो अब आता है डी यानी कि डिविजन आपको कहीं डिविजन दिख रहा है क्या जी सर जी यहाँ टेन डिवाइड बाय फाइव टेन डिवीजन फाइव यानी हमें दस में भाग लगाना है पाँच से तो ऐसा सोचो कि पाँच के पहाड़े में ये जो दस है कितनी बार में आएगा पाँच के पहाड़े में दस आएगा दो बार में मतलब आप इस डिवीजन को सॉल्व करोगे तो पाँच से दस को काटोगे तो पाँच एक कम पाँच पाँच दूनी दस तो लीजिए एक बटे दो प्लस बटे तीन माइनस का यहाँ पर आपने डिवीज़न करा तो दो आया तो हम दो लिख दिए क्योंकि पाँच दुनी दस हो गया तो यहाँ दो बार में कट गया था तो दो लिख दिए उसके बाद इंटू में टू लिखा तो इन में हमने टू लिख दिया अब देखिए डिवीज़न भी आप कर चुके हो दोस्तों मल्टीप्लीकेशन की बारी आ गई है तो अब देखेंगे कि पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कहाँ है ये रहा मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई को ही सॉल्व करेंगे दो धुनी चार इसको कर देते हैं एक बटे दो वैसा ही प्लस अट्ठाईस बटे तीन वैसा ही आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है लेकिन स्टेप बाय स्टेप मंजिल तक पहुंचना ही सारे स्टेप को हम रीचेक कर रहे हैं कि हम क्या क्या सॉल्व करके आगे बढ़ रहे हैं तो आप सारी स्टेप धीरे धीरे करोगे ना तो आपको बोर्ड मास नियम अच्छे से आ जाएगा समझ में ठीक है चलिए यहाँ पर माइनस लगा है तो हम माइनस लगा देते हैं दो दुनी चार होता है तो हमने यहाँ चार लिख दिया लीजिए आपकी ये दो स्टेप भी कंप्लीट हो चुके हैं मल्टीप्लाई भी अब आप, आप कर चुके हो ठीक है दो दुनी चार हो गया है अब एडिशन और सब्सट्रक्शन बचा है या जोड़ लो या घटा लो तो आप जिस कंडीशन पे आ गए हो ना यहाँ पर क्या होता है कि एक बटे दो एक फ्रैक्शन है एक भिन्न है अट्ठाईस बटे तीन भी एक भिन्न है तो चार को भी हम बटे में एक लिख लेंगे और भिन्न के रूप में बना लेंगे किसी के बटे में कुछ ना हो तो एक छुपा होता है सबका मालिक एक इसीलिए हमने दोस्तों यहाँ पर चार के बटे में एक लगा लिया है बहुत सिंपल है मेरे भाई ठीक है अब यहाँ क्या किया जाता है सर जी एल लिया जाता है नीचे वाले नंबर्स का एल क्योंकि आप या तो जोड़ोगे या घटाओगे ना एडिशन या सब्सक्रिप्शन ही बचा हुआ है तो जोड़ने घटाने के लिए ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है तो यहाँ एल्सीयम लेके इनको जोड़ा जाएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन है ये दो चार छः कर दें ऐसा नहीं है तो ये फ्रैक्शन है इसीलिए हमें एलसीएम से सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लेना यहाँ आई बटन में वो भी दिख जाएगा वैसे हम यहाँ एलसीएम लेंगे दो तीन और एक का एल्सीयम लेंगे हम यहाँ साइड में आपको एल्सीय लेके बता भी देते हैं दो कॉमा तीन कॉमा एक का एल्शियम लेंगे तो सबसे पहले आप दो का पहाड़ा लोगे तो दो एक कम दो तीन वैसा का वैसा ही एक भी वैसा का वैसा ही फिर तीन का पहाड़ा लोगे तो ये एक तो चलेगा वैसा का वैसा ही तीन के पहाड़े में तीन आता है एक बार में और ये एक भी ऐसा का ऐसा ही आपका दो और तीन आया है इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए दो तिया छः तो इनका एल्शियम कितना आ जाएगा दो तीन और एक का एल्शियम निकालेंगे तो छ आ जाएगा या आप उस एल्शियम वाले वीडियो में अच्छे से सीख सकते हो हमने डिस्क्रिप्शन में वो डाल दिया है डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना ठीक है आपको यहाँ जितना भी कन्फ्यूजन एल में हुआ है ना वो सारा डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है सॉल्व हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है चलिए यहाँ दो तीन और एक का एल निकाला दोस्तों तो कितना छः आया था तो हमने छ लिख दिया है अब स्मार्ट वाला तरीका करना है वैसे मुझे इसे नीचे लिखना था जगह कम है इसीलिए हम यही लिख रहे हैं ठीक है दो के पहाड़े में छ कितनी बार में आता है तीन बार में आता है दो तिया छः उसी तीन का ऊपर वाले एक में गुणा तीन एक कम तीन फिर प्लस लिखा है तो हमने प्लस लिख दिया तीन के पहाड़े में छ कितनी बार में आता है तीन दुनी छ दो बार में आता है उसी दो का ऊपर वाले अट्ठाईस में गुणा अट्ठाईस दुनी कितना होता है चौवन होता है तो हम यहाँ पर चौवन यानी फिफ्टी फोर लिख देते हैं ठीक है अट्ठाईस दुनी चौवन उसके बाद एक के पहाड़े में छे कितनी बार में आता है छ बार में आता है उसी छ का ऊपर चार में मल्टीप्लाई चोग, चोग, अब मल्टीप्लाय चिन्ह का ध्यान रखना चौबीस लिखना है प्लस का या माइनस का यहां माइनस लगा है तो माइनस का ही लिखना है हमें चौबीस अब सिंपल सा आप बोर्ड मास नियम आगे कंटिन्यू कर सकते हो एडिशन आपको सबसे पहले करना है तो यहाँ इनको पहले जोड़ लो चौवन और तीन कितने हो गए चौवन और तीन हो गए सत्तावन सत्तावन में से फिर आप बोर्ड मास में माइनस भी करोगे ना तो माइनस कर लो इस चौबीस को सत्तावन में से चौबीस गए कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आइए सीख लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से देखो पहले जोड़ना था तो हम जोड़ लेते हैं चौवन और तीन को जोड़ा तो सत्तावन हो गए तो हम लिख देते हैं सत्तावन यानी फिफ्टी सेवन माइनस का चौबीस वैसा का वैसा ही डिवाइड में क्या चल रहा है डिवाइड में छः चल रहा है तो हमने छः लिख दिया अब तो आप आंसर ले आओगे बड़ी आसानी से देखो कैसे सत्तावन में से चौबीस गए चलो घटाते हैं इसको सात में से चार गए तो बचेगा तीन कितना बचेगा दोस्तों बचेगा तीन और पाँच में से दो गए तो भी बचेगा तीन तो यहाँ पर यानी थर्टी थ्री आ गया डिवाइड में आ रहा है सिक्स डिवाइड में आया है यहाँ पर सिक्स अब आपको ये देखना है कि ये जो आंसर आया है क्या ये आंसर अभी भी छोटे से छोटा हो सकता है कट सकता है क्या हाँ सर जी तीन के पहाड़े से ये अभी भी कट सकता है काटते हैं तीन एक कम तीन इधर भी तीन एक कम तीन और नीचे काटेंगे तीन दूनी छः ग्यारह बटे दो आंसर आया टोटल मिला के यहाँ पर हमारा जो आंसर आया है वो आया है ग्यारह बटे दो ये आंसर कितने लोगों को आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आपका आंसर सही था कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा और ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा बहुत मेहनत से आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं जरूर से अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए नए हो सब्सक्राइब करके ही जाना ऐसे वीडियोज आते रहेंगे आपके पास